सो हे गाइस, तो यार कैसे हैं आप लोग? तो भाई क्या हाल चाल रहा भाई? हाल चाल तो आपका सबका मतलब मस्त होना चाहिए। तो भाई बहुत मजा आने वाला आज की इस वीडियो में। आज एक तगड़ी वीडियो बन चुकी है भैया। मेरे फर्स्ट गेम प्ले जो कि आपको पता है BGMI का, मैंने बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का, यार इंडिया का अपना बैटल ग्राउंड, बहुत मजा है यार। लॉबी वोबी मतलब सेम सिमिलरिटी जो देखे हम काराकिन लिविंग और भी जो मीरामार मैप है, ये सारे भैया पबजी मोबाइल में जो थे या पबजी KR वर्जन में सारे मैप वही हैं। मैंने पबजी KR भी खेले, पबजी मोबाइल भी खेले, उन सब में सेम है। लेकिन भैया केवल नाम के लिए हो चुका है, लेकिन कहते ना कि मैप नया है तो मैप में खेलने का मजा आएगा। मतलब अपने इंडिया का बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, उसमें खेलने का मजा आएगा। तो अभी हम देख चुका हाडिका नेमो ऐसे कुछ नाम का जगह है ये, यहाँ पे उतर चुके हैं यार, जो बंदों की भजाल मचने वाली है यहाँ पे ना। तुम पूरा ध्यान से देखो और कैसे बजाते हैं उन लोगों की, बस तुम वो ध्यान से देखो, बहुत मजा आने वाले इस गेम प्ले में यार। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या पहली बार आ रहे हो तो जल्दी से फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे बहुत सारी मजेदार और यार खतरनाक खतरनाक गेम प्ले तुम्हें देखने को मिलते रहेंगे आगे। तो चलो फिर वीडियो को तुम देखो, एंजॉय करो, ठीक है? बीच बीच में मेरी कमेंट्री होती रहेगी, लेकिन तुम अभी केवल वीडियो को एंजॉय करो। मैंने देखो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, क्योंकि यार जो गेम का साइज है ना वो बहुत ज़्यादा। ये देखो सामने एक बंदा देख चुका है, तो भैया इसे कैसे बजाते हैं तुम बस ध्यान से देखो। मैं देखो मेरे जाते ही तुरंत फाइट शुरू हो गई, तो मैप में देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये बंदा छुप चुका है, मैं भी छुप गया, क्योंकि भैया अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते क्योंकि मेरा तो लेवल कम है, वो पता नहीं कौन से लेवल का है। लेकिन देखो तुम केवल एक शॉट, अरे यार इस एक शॉट के लिए भैया सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि एक एमओ भैया केवल हेडशॉट लगा है। भैया इसकी ड्रेस मुझे बहुत पसंद आती है, मैं बाद में इसकी ड्रेस लूँगा, लेकिन अभी बंदों को निपटाते हैं, क्योंकि तुम मैप में देख सकते हो यार फुटस्टेप पे फुटस्टेप आ रहे हैं। लेकिन अभी अपनी हीलिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हीलिंग करने के बाद में देखो क्या होता है, फिर कैसे बजाते हैं। इसके बाद जो अपनी टीममेट अभी है उससे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। अभी देखो तुम यहाँ पे कैसे बजाती, एकदम हीरो माफिक। ये देखो देखिए, मतलब यार अकेले लड़की को छेड़ रहा है, बताओ भैया। इसे बजाने के बाद देखो, मैंने फर्स्ट फॉरवर्ड इसीलिए कहा, मैं बता रहा था आपको कि जो इस वीडियो के साइज तो बहुत लॉन्ग हो जा रहा था, क्योंकि इतना लॉन्ग वीडियो भैया को देखना कोई पसंद नहीं करेगा, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट फॉरवर्ड पर रखा है। इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी बढ़ाई हुई है, तो बस तुम वीडियो को एंजॉय करो यार। ये स्पीड स्पीड छोड़ो, बहुत मज़ा आने वाला है वीडियो में, इसी फर्स्ट फॉरवर्ड की वजह से बहुत मज़ा आने वाला है, बस तुम देखो। और हाँ, इसमें जो शॉट देखो, यहाँ पे एक और बंदा आ चुका है, लेकिन यार ये बॉट है शायद, हाँ बॉट ही था शायद। देखो यहाँ पे तुमको दिख गया, फिर साइड में एक और बंदा देखो भैया, ये तो जैसे मिस्टर इंडिया हो गए थे, छू मंतर तुरंत गायब हो गए, तो पता नहीं कहाँ। लेकिन इसे भैया इसे भी ढूंढ के, शायद इसी घर में आ चुका था, देखो फिर ये देखो यही था जिसने, हाँ भैया नॉक हो चुका है यार, यही देखो। मैंने कहा था ना कि जो प्रो प्लेयर आते हैं भैया, टाटा ट्रांसफ़र हो चुका है इन लोगों का, ठीक है यार। कतई अचानक में सामने आके डरा दिया था भैया। लेकिन अभी देखो अपनी HP देख रहे हो ना, कितनी कम HP है, लेकिन इसी कम HP में कितने लोगों को मैं धोता हूँ, बस तुम ये देखो ध्यान से। ये देखो भाई सामने तुम एक बार देख रहे हो, किल चोरी कर लिया भाई, यहाँ पे 5 किल अपने हो चुके हैं, बहुत मजा। देखो एक भाई तगड़ी गेमर भाग रही है, देखो अरे गजब, ये भी बहुत ही थी शायद, इसे भी हम लोग फिनिश करते हैं। और फिनिश करने के बाद आप देखो आगे क्या होता है भैया, ऐसे ही किल इतने धमाकेदार किल होने वाले हैं ना, तुम बस ध्यान से देखो। इसके अच्छे खासे लूट तो है नहीं क्रिएट में इसके, हाँ यहाँ से मुझे एमओ मिल जाती है, लेकिन भैया मैंने स्कॉलर से शुरुआत की थी। देखो यहाँ पे M416 पड़ी हुई थी, लेकिन मुझे इस बार स्कॉलर से ही करना था, क्योंकि यार कतई जहर वाली गन लग रही थी आज, क्योंकि हाथ में ऐसे बैठ गई थी ना यार। ये देखो यहाँ पे भैया आके, इनको मेडकिट चाहिए, तो मैंने कहा मेडकिट ले लो भैया, क्योंकि इनको ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम लोग अपना हेल्थ किट बढ़ाते हैं, सेलिब्रेशन होता है भैया, ये मुझे थैंक यू कहते हैं इनके जान बचाने के लिए, अभी तुम देखोगे। शायद थैंक्स ही कह रही होती है, मुझे नहीं पता, अगर तुम्हें पता चले तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना कि थैंक्स कह रहे थे कि क्या। अब देखो भैया यहाँ पे भी इन्हें बजाने के बाद पता ही KD भैया वॉट है या कुछ भी है, अपने KD को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए भैया KD को मेंटेन करने के लिए मुझे इन लोगों को मारना ही पड़ता है। असली फाइट तो भैया तुम लास्ट में जो देखोगे वो भसड़ मचेगी यार, दो दो लोग रश वाले, कतई मेरी HP में क्या हम बताएं आपको। यहाँ पे भैया देखो सीनरी पे आ चुके हैं भाई, सीनरी पे आने के बाद, लेकिन पानी में थोड़ा स्विमिंग करने का मजा, क्योंकि इतना गर्मी है, देख रहे हो काराकिन एक तो मैप है, पूरी जगह रेगिस्तान टाइप, इसमें भैया पानी में थोड़ा स्विमिंग विमिंग करने के बाद, अब देखो बाहर निकलने के बाद क्या होता है। मैंने सोचा यार थोड़ा बहुत टहल वहल के, ये देख रहे हो अभी मैं ये देख रहा था कि जोन है कहाँ है, और पास में पानी में दिख रहा था, मैंने कहा चलो अब बाहर निकलते हैं, लेकिन भैया इस रास्ते तो बाहर निकल नहीं सकते, मतलब अभी तो केवल मौज हो रहा है, तुम भी पानी में तब तक जाओ, पानी वानी पी के आओ थोड़ा।
इनको तो भैया टुक्की लगाने की आदत हो गई है। हमने कहा बाहर निकले इस रास्ते हम लोग बाहर निकल नहीं सकते। मुझे डर ये था कि यार कहीं पहाड़ पे स्नाइपिंग ना हो रही हो, कहीं से हम लोग को स्पॉट ना हो जाए। यही बात होती है लास्ट में देखना। हाँ अब यहाँ पे भैया वहाँ से थोड़ी बहुत मैंने कट कर दी है वीडियो, क्योंकि लॉन्ग हो जा रही थी। यहाँ से देखो अब क्या होता है। मैं अपने टीममेट को कहता हूँ कि यार क्योंकि रात का टाइम है तो वो बोल नहीं सकता, इसलिए मैंने उसे कहा कि यार तुम मेरे साथ ही रहो, इसलिए जम करके मैं ये दुकानदार एक और बंदा देखो एक और बंदे को फिनिश करने के बाद अब देखो मुझे यहाँ से हेल्थ किट और भी लेवल 3 की बैग मिल जाती है, जो कि बहुत मैं यहाँ से मोंटाज भी उठा लेता हूँ, बहुत मज़ा आता है। यही है कि इन सारी चीज़ों का मैं यूज़ नहीं कर पाता कल के टाइम में, लेकिन बस देखो तुम। यार तुम देख रहे हो मैप में, देख रहे हो तुम्हें गन के तुम्हें देख रहे हो ना स्पॉट हो रहा है कि यार यहाँ गन से साउंड आ रही है, लेकिन यार गन की कोई साउंड नहीं रहती, यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं रहता। हम लोग ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं लेकिन कोई बंदा मिलता ही नहीं। उसके बाद पता चलता है कि वो सब पहाड़ पर स्नाइपिंग कर रहे हैं, देख रहे हो माउंट पर खड़े होकर हिल पर एकदम चौड़ में स्नाइपिंग कर रहे हैं, हम लोगों को स्पॉट कर रहे हैं, लेकिन वही किस्मत ख़राब कर देते हैं यार। कहने मैंने प्रो प्लेयर आ चुके हैं भैया। तो यार भाई बहुत मज़ा आ रहा था यार देखो, लेकिन सर्च करते करते भैया हम लोग थक चुके थे। देखो सामने एक बंदा तुम्हें स्पॉट हो गया होगा, ये भी शायद बॉट ही था यार, लेकिन यहाँ पे मेरी किल चोरी हो जाती है। तुम बस ध्यान से देखो यार, किल चोरी हो गई नहीं तो भैया मेरे 12 किल्स आराम से हो जाते यार। 12 किल करके भैया कतई अपना सीना चौड़ा कर लेता, लेकिन भैया किल चोरी हो गई, क्या कर सकते हैं, गेम में किल चोरी होना भैया आम बात हो गई। अब देखो मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि यहीं से तुम्हें देखने को मिलेंगे, तो दोनों तरफ से तुम मैप में अगर देखोगे तो राइट साइड से भी और पीछे से, मतलब आगे पीछे दोनों तरफ से यार केवल गन साउंड, मतलब गन साउंड की आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने कहा यार अब क्या करें, किधर जाए पहले। दोनों तरफ मैं बचने की कोशिश कर रहा था कि यार कहीं से मैं स्पॉट ना हो जाऊं, और कहीं क्योंकि तुम्हें पता है पबजी लाइट नहीं है, पबजी मोबाइल है, इसमें 2 गोली भैया तुम ख़त्म कर सकती है तुम्हारी कहानी। और पबजी में लाइट में था यार तुम एक पूरी कहते हैं ना अपनी एक मतलब 30 गोली है ठीक है, 30 गोली तुम ख़त्म कर दो यार तब भी जाके बंदा केवल नॉक होता था। यही दिक्कत है और यही मुझे बहुत मज़ा आता है इसमें एक पबजी मोबाइल में। यार देखो तुम देख सकते हो ना बंदा स्पॉट हो चुका है यार, लेकिन देखो एंगल नहीं सही बन रहा था ना यार, नहीं तो अब यहाँ से तो एंगल हम लोगों को मिलने से रहा। तो भैया अभी देखो अचानक में क्या होता है मेरे टीममेट को भी, हमको लगता है कि वो लोग शायद उन लोगों के पास स्नाइपर है, वो लोग मेरे टीममेट को नॉक कर देंगे। अभी तुम बस ध्यान से देखो, मैं इधर ध्यान दे रहा हूँ, देखो नॉक हो चुकी है। अब भैया हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के पहले उसे बचाने चलना होगा, उसे बचा लेंगे उसके बाद देखेंगे आगे क्या करना है। भैया यहाँ पे मैंने सोचा यार बैठ जाऊँ, लेकिन सोने के बाद भैया हम रिवाइव नहीं कर सकते इसमें, यहाँ से करने के बाद मैंने हेल्थ किट इसके पास रख दिया कि हेल्थ किट ले ले। तुमने एक बंदा दिखा होगा, तुम्हें एक बंदा दिखा होगा ठीक है, बंदा या बंदी दिखी होगी, तुम बस ध्यान से देखो उसे कैसे जाके। अभी मेरे को तो शॉट्स पड़ने लगे थे, मेरे ऊपर फायर होने लगे थे, लेकिन भैया देखो फिर भी तुम यहीं पे थे। देखो तुम फुटस्टेप देख सकते हो ना, मैंने कहा यार कहाँ है, अंदर थे देखो अब तुम। ये भैया हम सबको ढूंढ ढूंढ के मारे, ये मेरे पास आ रहे हैं ढूंढ ढूंढ के मारे, लेकिन देखो इसको भी बजा देते हैं। और इसको बजाने के बाद देखो फाइनली अपने 9 किल हो चुके हैं, 2 किल और बचे हुए हैं, वो कैसे होते हैं बस तुम ध्यान से देखो यार, बहुत मज़ा आने वाला है। अब भैया मैं उसे मारने के बाद मतलब उस बंदी को मारने के बाद अब यहाँ पे स्पॉट करने आ जाता हूँ कि यार यहाँ से तो अच्छा एंगल मिल जाए, लेकिन यार अंकल तो एकदम मिलने ही वाला है, मतलब एकदम खिलाफ है। लेकिन एक बात बहुत बहुत अच्छी हुई, इस बार जोन हमारे साथ था ठीक है, इस बार जोन हमारे फेवर में था, बहुत मज़ा आने वाला है। सारे बंदे जो वो नीचे की तरफ ही आएंगे ठीक है, नीचे की तरफ आएंगे, तुम बस ध्यान से देखो। मैं इसलिए बोल रहा था अपने टीममेट को, हम लोग साउंड तो कर नहीं सकते, इसलिए मैं बोल रहा था केवल उसे फॉर अप में मतलब मेरे पास ही रहो यार, ताकि ऐसे अलग अलग दूर दूर रहेंगे हम लोग तो बंदे हम लोग को इसलिए स्पॉट करके मार देंगे एक एक करके, क्योंकि इस तरफ अब टाइम नहीं है ना कि हम एक दूसरे को रिवाइव कर सके। इसलिए देखो यहाँ से अब देखा, तुमने देखा होगा मैंने अभी मैप ओपन किया था, तो भैया जो अब हम लोगों के फेवर में ही है, तो अब देखो अब हम लोग केवल अंदर जाके
कैंपिंग करेंगे, लेकिन यार कैंपिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बस तुम ध्यान से देखो। भैया यहाँ से जाएं कैसे हम लोग? लेकिन अभी भी तुम देखो जोन हमारे फीवर में ही है, बिल्कुल हम जोन के बीचों बीच में ही हैं। मैंने अभी मैप खोला था, आपने देखा होगा, मैं एकदम बिल्कुल जोन, हम लोग जोन के बीचों बीच में हैं। और देख रहे हो बंदे अब आ रहे हैं, ठीक है, अब बंदे नीचे की तरफ आएंगे। देखो अब बंदे नीचे की तरफ आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है जोन में जाना ज़रूरी है। और भैया ये दोनों बंदे देख रहे हो बहुत चंट लड़के थे, एक तरह से कहते तो बहुत चंट थे। चलो तुम बस देखो अब। यहाँ से मैंने सोचा कि यार यहाँ से गजब का एंगल मिल जाएगा, लेकिन यार एंगल तो कहीं से नहीं मिल रहे थे, बंदा दिख ही नहीं रहा। देख लो केवल फुट स्टेप आ रहे थे और बंदा दिख ही नहीं रहा। मैंने कहा यार यहाँ बंदा है या वहाँ है, मैं सोच रहा था कि यार मेरी टीममेट तो अंदर गया, कहीं टीममेट के पास ना हो, तो मैं टीममेट के पास तुरंत गया। और यहाँ पर देखने के बाद लगता है कि बंदा अंदर ही है, बंदा नहीं वो बंदी है। लेकिन तुम ध्यान से देखो बस, देख रहे हो तुम कतई केवल लूट कर, ये बहुत गजब है यार, गजब का डैमेज दे दिए मुझे। ये रियल प्लेयर थे भैया, इसे मारने के बाद देख रहे हो यहाँ पे फाइनल अपने 11 किल हो चुके हैं, जो कि भैया यहीं पर लास्ट हो चुका है। अब मेरा इससे आगे किल बचेगा नहीं, हाँ पड़ जाता अगर मेरी कहना जो हेल्थ अगर थी वो अगर अच्छी खासी फुल रहती, तो मुझे टाइम नहीं मिला यार हेल्थ अपनी रिकवर करने का पूरा, इसी वजह से बैड लक हो गया भाई। अभी तुम देखोगे यहाँ से, तो मैं खिड़की है, खिड़की पे सब देखते हैं कि यार अच्छा खासा एंगल, क्योंकि यहाँ से शॉट की आवाज़ आ रही थी, तो ये पत्थर के पीछे तुम देखोगे बंदा दिख गया होगा तुम्हें, ठीक है। अब बंदा दिख रहा है, लेकिन यार मुझे कहाँ से शॉट्स पड़ रहे थे ये बहुत, मतलब दिख रहे हो लाइक हैकर यार, मुझे ऐसे शॉट्स पड़ रहे थे कि पता नहीं चल रहा था। अब देखो बस वो लोग अब अंधाधुन रश करने वाले हैं, बस तुम देखो इसमें ये बहुत दिक्कत है यार, इसमें इतनी देर तक रिवाइव होता है ना बहुत। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, हीलिंग बढ़ाऊँ या लोगों को मारे, इसलिए पहले मैं जाता हूँ कोने में। यार काश एक ड्रिंक लगा ली रहती मैंने ना, एक ड्रिंक लगा ली रहती कम से कम, उससे थोड़ा सा हेल्थ बच जाता है यहाँ पे। अब रिवाइव ये देखो बस। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।